वालों ने लगाया महिला के पति सहित परिवार वालों पर हत्या का आरोप। थाना रजतपुर क्षेत्र के नया गांव की रहने वाली महिला सीनू उम्र 22 वर्ष की आज मौत होने से परिजनों ने शोरगुल किया। जानकारी के अनुसार महिला सीनू की शादी 2 वर्ष पहले रजतपुर के अम्बेडकर नगर नया गाँव के निवासी सुरेंद्र से हुई थी, जिससे आज अचानक मौत हो गयी। मृतक महिला सीनू की सूचना जब परिजनों को मिली तो महिला के चाचा मुन्ना भाई सोनू भाई अभिषेक निवासी मुरादाबाद मौके पर पहुंचे और मौत की सूचना थाना रजतपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को कब्जे में लिया और आनंद फानंद में पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जिला अस्पताल अमरोहा में मृतक महिला तीनों का पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों ने महिला के पति सहित परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 वर्ष पूर्व तीनों की शादी नया गाँव निवासी सुरेंद्र से होने के बाद कुछ दिनों तक सही चला, लेकिन बाद में सीनू को ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज इसकी मौत हो गई। मुन्ना जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला मुरादाबाद। अच्छा, ये जो मतलब महिला की मृत्यु हुई है कहाँ की रहने वाली थी? ये जिला मुरादाबाद की, शादी यहाँ पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? डॉक्टर मेट का नया गाँव जी। अच्छा, थाना रजतपुर क्षेत्र में? जी सर। अच्छा, तो मतलब कैसे हुआ साहब, ये बॉडी मिली है महिला की? ये बॉडी मिली है सर, इन्होंने रात को, इनके नानी नाना रहते थे उन्हें भी सूचना नहीं दी इन्होंने, और ये अपने आप लेकर चले गए। ये पता नहीं लेकर गए ही नहीं गए, या इन्होंने टेटी दवाई इस पर, हमें स्टैम्प प्रूफ में हमें इस पर खरोचे विरोचे सब लगी हुई है, खून मून सब निकला हुआ है। अच्छा। जी आपको किसी पे शक वगैरह? ये शक पूरे परिवार पे इनके। तो ये मतलब शादी कितना टाइम पहले हुआ था? शादी से सर ये तो 2 साल। 2 साल पहले? कितनी उम्र थी? वही 22 साल सर। गर्भवती थी महिला ये? सर पहले भी इन मतलब ऐसी थी लड़की, पहले इन्होंने पैसा भरने के ताई बोला हमसे, हमने पैसा नहीं भरवाया। किस चीज़ का पैसा भरने? ये कह रहे थे, बोले पैसा ले लो, शादी और जगह कर दो। अच्छा। हमने मना कर दी, फिर उन्होंने लड़की मार दी। अब सोनू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। अच्छा, ये जो अभी हम पे बॉडी आई है, कौन है आपकी बहन? ये कहाँ की रहने वाली? ये रहने वाली मुरादाबाद की है। अच्छा। ससुराल है कि नया गाँव की? कौन से गांव की ससुराल इनकी? अम्बेडकर नगर नया गाँव। अच्छा, कौन से थाना क्षेत्र में पड़ता है अम्बेडकर? जय पड़ता है इसमें, रजपुर में। रजतपुर में? हाँ। ये बताइए, इनकी जो मतलब घर पे महिलाएं मिली हैं, ये बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला बताओ? पूरा मामला ये है कि जब से इसकी शादी हुई थी, उन्होंने लोगों ने जब भी बोला था कि 1-2 साल जीना मार देंगे। अच्छा, उन्होंने वो दुश्मन निकाल दी। अब मतलब लड़की के पति ने ये बात बोली थी? उसके पूरे परिवार को लग रहा था, उसका खुद पति ही बोलता था। लड़की के ससुरालियों ने कहा? हाँ। था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि मर गई है, बच्चों ने नाम अस्पताल को लेने गए, जहाँ मैं खबर तक आई बहुत लगी हुई है। ये गर्भवती महिला थी? हाँ, गर्भवती थी। अच्छा, तो आपको क्या सूचना मिली इस बारे में? ये हमें सुबह पता चली थी, साथ में आपको पता चला? हाँ। अच्छा, तो आप मतलब किस पे शक करते हैं? ये पूरे परिवार पे शक है हमें, सब लोगों ने एक बार कहा था तुम शादी कर भी लेंगे तो हम इसे जान संभाल देंगे। शादी कितना टाइम हो गया? शादी 1.5-2 साल हो गए। उम्र कितनी थी? 22 साल। नाम था? सीनू। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद के। ये बताइए, जो महिला की मतलब मृत्यु हो गई है, ये कहाँ की रहने वाली थी? ये मुरादाबाद की थी। अच्छा, इनकी शादी कहाँ हुई थी? नए गाँव में। कौन से मतलब कहाँ पड़ता है नया गाँव? डॉक्टर अम्बेडकर नगर। डॉक्टर अम्बेडकर नगर। हाँ। थाना कौन सा पड़ता है? रजतपुर। बताइए मतलब क्या हुआ महिला के साथ? महिला साथ रात मेरे पास फोन आया था, मुझसे कह रहे थे तेरी बहन मतलब कि बच्चे उसमें ही पेट से है, तेरी बहन को अस्पताल ले गए थे, मर गई, और तू आ रहा तो आ जा, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आ रहा तो आ जा, अपने घर को सब बोल ले। किसका फ़ोन आया था आपके पास? मेरी दीदी का, जेवर का। क्या बोला उन्होंने? कह रहे थे तेरी बहन मर चुकी है, आ रहा तो आ जा, नहीं तो कोई बात नहीं। इनकी शादी मतलब कितने टाइम पहले हो जाएगा? 2 साल। 2 साल। अच्छा, तो मतलब कितनी उम्र थी इनकी? उम्र 22। तो आपको किस पर शक है? शक उन पर ही है, परिवार ससुराल परिवारों में।